ओके वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स जीके पीरियड, आपका इलेवेंथ चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं। यहाँ कुछ एब्रीविएशंस दी हुई हैं यानी शॉर्ट फॉर्म्स, और उनका जो फुल फॉर्म है वो किसी न किसी इंटरनेशनल संस्था का नाम है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले आप स्निपेट देख सकते हैं कि आपका स्नूपी क्या कहता है। बैन की मून इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बैन की मून जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हियर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। विद द हेल्प ऑफ देयर एब्रीविएशंस राइट देयर फुल फॉर्म। एब्रीविएशन की सहायता से ही फुल फॉर्म आपको लिखना है। पहला देखिए यूएन। यूएन जो है वो यूनाइटेड नेशंस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ओके, पूरा नहीं लिखा है, हाफ है, देखिए ये गलत है इसमें। ओके, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। नाम नॉन अलाइंड मोमेंट। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। यहाँ कुछ आपके टू डू है। देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट आर एक्टिव इन डिफरेंट फील्ड्स। एट प्रेजेंट देयर आर 17 सच एजेंसीज ऑफ UN। यूनाइटेड नेशंस की 17 एजेंसियाँ हैं जो विशेष तौर पे अलग अलग फील्ड में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप हेल्प लेके वो प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 आपका जो है कल पढ़ाया जाए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।